नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का यूसर के विज्ञान स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज हमारे मध्य में प्रोफेसर उमा पाली, जो कि कुमायूं यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं और जिन्होंने कई साल वनस्पति विज्ञान में ही शिक्षण अपना अध्यापन कार्य किया है, और यह हमारा सौभाग्य है कि आज मैडम ने हमारी जो निमंत्रण है वो स्वीकार किया और आज आप लोगों के मध्य वो एल्गी, जो कि हमारे कई तरह के वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियाँ होती हैं उसमें एल्गी भी एक ग्रुप है, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगी। और हम मैडम को धन्यवाद करते हैं कि मैडम आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी लोग मैडम के लेक्चर को सुनेंगे उन जरूर ही उनके इस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। मैडम, मैं अब आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने लेक्चर को शुरू करेंगे, प्रारंभ। धन्यवाद मंजू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स which is very important in plant sciences, and you know that before going to that group, that is the algae, I would like to tell you about the importance and the basic features of plants, their importance and also their wonderful world they have created. So in doing so, I would like to show you some slides. For a layman, before showing these slides, for a layman, एक आम आदमी के लिए या beginners के लिए plants का मतलब यह है कि वो हमें छाया देते हैं, वो हमें oxygen देते हैं, वो हमें food के लिए हम use करते हैं उनको, और हमारी life उनके बिना असंभव है। इसके अलावा हमें fruits भी उनसे ही मिलते हैं, हमें wood मिलता है और कई तरह की चीज़ें हमें plants से मिलती हैं जो हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं, प्लांट्स की दुनिया को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इतना ही नहीं, प्लांट्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उनके बिना हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स। वो क्यों? क्योंकि प्लांट्स को हम सब लोग जानते हैं कि जो हम सांस लेते हैं वो भी हम पौधों के ही माध्यम से लेते हैं। अगर पौधे ना हों तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीना मुश्किल है इस दुनिया में। उसके अलावा पौधों को फूड की तरह से हम यूज़ करते हैं, फूड के अलावा हम फ्रूट्स की तरह से यूज़ करते हैं, और उन पौधों से ही हमें बाकी चीज़ें भी पौधों के ही माध्यम से मिलती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं उनके, डाइज मिलते हैं, रबर मिलता है, और भी इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम पौधों को का यूज़ देखते हैं, और मेडिसिन के क्षेत्र में कई प्लांट्स ऐसे हैं जो कि दे आर वेरी वेल नोन फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यू। तो मेडिसिन के क्षेत्र में भी हमें पौधों की महत्ता का पता है। और इसके अलावा एक लेमैन को अगर ये सब चीज़ें बतानी हो तो ये चकित कर देने वाली बात है कि पौधों को इतनी सब चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि उनके एस्थेटिक सेंस के लिए। उनका एस्थेटिक सेंस से मतलब है कि हमें ब्यूटी के लिए, हम कहते हैं गार्डन में इतने खूबसूरत प्लांट्स हैं, वो उनकी ब्यूटी के लिए हम पौधों को देखते हैं। आप शेड के लिए पौधों को का यूज़ करते हैं, अपने ही छाया के लिए नहीं, बल्कि आप आज की डेट में अगर कार पार्क करने जा रहे हो तो आप हमेशा छाया देखते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों में पौधों की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो अपने सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें इनकल्केट करना है प्लांट साइंस में अपना इंटरेस्ट जगाने के लिए। थोड़ी सी स्लाइड्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जिसमें पौधों के बारे में आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि पौधों की क्या महत्ता है और कितनी तरह के प्लांट्स इस अर्थ में हमें मिलते हैं। तो पहली स्लाइड है फूड प्लांट्स। इस स्लाइड में आप 6 स्लाइड्स देख रहे हैं जिसमें आप मेज देख रहे हैं, कटहल देख रहे हैं, बाकी धान गेहूं के पौधे हैं, शुगर केन है जो कि इंडस्ट्रियल पौधा है जिससे हम शुगर पाते हैं, और साथ में ये वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं। तो ये इनके बिना हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है। पौधों को के बारे में जानने के लिए ये मैं बताना चाहूँगी कि 90% ऑफ कैलोरी
जो हमारी है वो पौधों से आती है. सिर्फ 10% जो कैलोरी है ह्यूमन बीइंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए वो एनिमल सोर्सेज से आती है, एंड दीज एनिमल सोर्सेज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो 90% जो कैलोरी हम लेते हैं वो प्लांट्स के माध्यम से लेते हैं, सिर्फ 10% हम एनिमल्स के माध्यम से लेते हैं, और ये एनिमल्स भी डिपेंडेंट हैं प्लांट्स में. तो ये महत्ता प्लांट्स की आपको इन फूड प्लांट्स में दिखाई पड़ेगी. इसके अलावा ये जो फ्लाई स्लाइड आपको दिख रही है, तरह तरह के फ्रूट्स, ये कुछ ही स्लाइड्स हैं. इसके अलावा कई सारे तरह की, यू नो इट बेटर दैट सो मैनी प्लांट्स आर फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स. और ये फ्रूट्स की क्या महत्ता है मिनरल्स के लिए, बाकी हमारी हेल्थ के लिए फ्रूट्स की इतनी इम्पोर्टेंस है. ये जो स्लाइड्स हैं, लीची आप देख रहे हैं, बनाना आप देख रहे हैं, मैंगो आप देख रहे हैं, एप्पल आप देख रहे हैं, तो ये पौधे भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. इनके बिना हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते. तीसरी स्लाइड आपको दिखा रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री के लिए फाइबर्स की ज़रूरत है. कुछ प्लांट्स दे आर नोन फॉर देयर फाइबर वैल्यू, वो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है. फाइबर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, हम अपने कपड़ों के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत है. हम पेपर यूज़ करते हैं, पेपर के लिए फाइबर्स की ज़रूरत है. उसके अलावा रोप्स के लिए या अन्य कई सारी चीज़ों के लिए हम फाइबर की हमें ज़रूरत है. कई तरह के फाइबर हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे. अभी ये जो दो स्लाइड हैं ये आपको दिखा रही हैं कि फाइबर यील्डिंग प्लांट्स भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं. ये वाली स्लाइड में आप देखेंगे आपको इंटरेस्ट और ज़्यादा आएगा कि पौधों की महत्ता के लिए ये 4-5 स्लाइड्स आपको दिखा रही हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं. मेडिसिनल प्लांट्स में आप डे टू डे अपनी लाइफ में देखते हैं, अपने घरों में भी तुलसी है, पुदीना है, नीम है, जो कि कॉमन प्लांट्स हैं. उसके अलावा भी हम आज की डेट में देख रहे हैं एलोवेरा, गमले में जो पौधा लगा हुआ है ये एलोवेरा है. ये एक ऐसी जगह पर ग्रो होने वाला पौधा है जो कि ड्राई सॉइल की जिसको ज़रूरत होती है, ड्राई सॉइल में ग्रो करता है. लेकिन सूखी सॉइल पर ये ग्रो होने के बावजूद भी इसमें इस तरह के इसके एक्सट्रैक्ट से हम कई तरह की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हमारे मेडिसिनल वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा है कि आज हम एलोवेरा का नाम हर जना जानता है. इससे ऊपर की स्लाइड में आप देखेंगे कि ये जो प्लांट है रोवोल्फिया है, सर्पगंधा जिसको कहते हैं, इसको इस प्लांट की वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये हर जगह इंसोमिया के लिए यूज़ होता है. उसके अलावा डायरिया के लिए, स्टमक एक्स के लिए, कई तरह के लिए इसकी मेडिसिनल वैल्यू है. तुलसी को आप जानते हैं, पुदीना आप जानते हैं, और नीचे जो सबसे राइट साइड में जो पौधा है ये स्टीविया है. स्टीविया एक ऐसा पौधा है जिससे स्टीवियोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है. स्टीवियोल का काम क्या है कि इट इज़ लो इन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में लो होने की वजह से शुगर के पेशेंट्स के लिए ये यूज़ होता है. इसमें ये स्वीटनर डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है. इसके दूसरी तरफ आप मेथी को सब लोग जानते हैं, घर घर में यूज़ होती है. इसके फूड वैल्यू तो है ही, उसके अलावा ये मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है शुगर पेशेंट्स के लिए, और अन्य कई बातों में मेथी का प्लांट भी यूज़ होता है. ये कुछ एग्जांपल हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं. कई 1000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसमें से थोड़े रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर दिखाए गए हैं. अब हम ये तो मेन हमारे पौधे हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं हम देखते हैं हमें ऑक्सीजन मिलती है लेकिन हमें शेड की भी ज़रूरत है. हमें पॉल्यूशन रोकने के लिए भी पौधे की बहुत ज़रूरत है. तो ये चार पेड़ों के माध्यम से ये आपको बताना चाहती हूँ कि शेड प्लांट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. इनके बिना हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है. ये पौधों में पीपल सबसे पहले जो पौधा है, पीपल है, इसकी रिलीजियस वैल्यू भी है, शेड प्लांट भी है, और टिम्बर के लिए भी इन ट्रीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं. दूसरा जो इसमें रेड फ्लावर्स हैं, इसकी ब्यूटी के अलावा ये शेड प्लांट है, गुलमोहर प्लांट है, जिसमें जो कि शेड ट्री माना जाता है. और
ये जून के महीने में, अप्रैल से जून तक इसमें आप ब्यूटी के लिए इसको सड़क के किनारे देखेंगे, तो आपको एस्थेटिक सेंस के लिए भी इसकी यूटिलिटी है। नीचे बैनियन ट्री और ओक ट्री, बैनियन बरगद का पेड़, फाइकस स्पीसीज, दोनों फाइकस स्पीसीज हैं, पीपल और बरगद। और नीचे ओक क्वर्कस जो कि फोडर की तरह से भी काम आता है, शेड ट्री भी है और पॉल्यूशन रोकने के लिए भी, हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस रखने के लिए भी इनकी यूटिलिटी है। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्लांट्स की स्लाइड है जिसमें आप को चकित कर देने वाले तथ्य मिलेंगे। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं लोटस और ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल पहली स्लाइड ब्रह्मकमल की है जो हमारी स्टेट का फ्लावर है और ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में मिलता है, मेडिसिनल वैल्यू भी है, रिलीजियस प्लांट भी है। इसी तरह से लोटस जो पौधा है हमारा नेशनल फ्लावर है। ये ब्यूटी के अलावा इनको दिखाने का मतलब ये है कि इनमें कई ऐसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि इसकी लीफ के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका जो टेक्सचर होता है वो बड़ा नैनो टेक्सचर होता है। लीफ के ऊपर कभी आपने गौर किया होगा तो पौधों की पत्तियों के ऊपर जो बूंदे हैं वो आपस में मिलती नहीं है, वो अलग अलग मोती की तरह से दिखाई पड़ती हैं। वो क्यों है? क्योंकि लीफ का टेक्सचर इस तरह का है कि उस टेक्सचर की वजह से वो लीव्स में जो बूंदे हैं, पानी की बूंदे हैं, वो अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। और इसी को मिमिक्री करके अब हम पेंट्स बना रहे हैं, वॉल पेंट्स या अलमारियों के लिए पेंट्स बना रहे हैं ताकि वो पेंट उसी तरह से जुड़े ना। तो लोटस की इम्पोर्टेंस, रिलीजियस इम्पोर्टेंस होने के अलावा ब्यूटी का प्लांट होने की वजह से इसका फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और ये एक्वेटिक प्लांट है जो कि पानी में ग्रो करता है। बीच की जो दो स्लाइड्स हैं इनसे आप देखेंगे कि जायंट कैक्टस एंड जायंट लिली कितने ह्यूज कैक्टस भी हो सकते हैं, ये इस स्लाइड से आपको देखने को मिल रहा है। तीसरी तरफ जो सबसे नीचे की दो स्लाइड हैं उसमें एक तरफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, जिसमें कि कई प्लांट्स ऐसे हैं इंटरेस्टिंग प्लांट्स इसलिए हैं क्योंकि उनकी रूट में नोड्यूल्स होते हैं और उस नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये वो प्लांट का रिप्रेजेंटेटिव है जिसकी रूट्स में आपको दिख रहा है छोटे छोटे नोड्यूल्स, इसमें बैक्टीरिया की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और इसका यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। साथ में जो दूसरे स्लाइड है जो ऑरेंज कलर का फ्लावर दिख रहा है, ये रेफ्लिसिया फ्लावर है। रेफ्लिसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द प्लांट किंगडम, सबसे बड़ा फ्लावर है, करीब करीब इसका बड़े से बड़ा फ्लावर का साइज 100 सेंटीमीटर तक भी नापा गया है। 100 सेंटीमीटर का एक फ्लावर भी हो सकता है और जिसका वेट 10 किलो तक भी होता है। ये एक पैरासिटिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें रूट्स, स्टेम, लीव्स हमें दिखती नहीं है, सिर्फ फ्लावर ही वाइन्स के ऊपर लगा हुआ दिखता है। और इस फ्लावर का में स्मेल बहुत तीखी स्मेल इसकी होती है, जैसे रॉटन फ्लैश की तरह से। इसका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की वजह से, कभी कभी एलिफेंट्स के थ्रू भी इसका इंसेक्ट्स होता है बिकॉज दे ईट इट और उसको पॉलिनेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। ये हॉस्टोरिया के थ्रू पैरासिटिक प्लांट है, दूसरे प्लांट से अपना खाना लेता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन ये पैरासिटिक प्लांट है और लार्जेस्ट फ्लावर्स का होता है, इसलिए इसकी स्लाइड यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड प्लांट का, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दीज प्लांट्स हाउ ब्यूटिफुल दे लुक। ऑल दीज प्लांट्स हैव सर्टेन फीचर्स विच मेक देम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन द नाइट्रोजन डेफिशियंट सॉइल। जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वहाँ इनकी ये ग्रो करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरी करते हैं? दे हैव सर्टेन फीचर्स बाय विच दे ट्रैप इंसेक्ट्स और प्रोटोजोआ और स्मॉल आर्थ्रोपोड्स एंड दे आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नहीं कहते हैं क्योंकि इंसेक्टिवोरस मीन्स एग्जैक्ट इंसेक्ट्स को ये लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है।
ये कोई भी प्रोटोजोआ को भी या किसी को भी ट्रैप करते हैं, और इनके इनमें ऐसे अपने को इस तरह से इन्होंने अडेप्ट कर लिया है अपने एटमॉस्फेयर या अपनी ग्रो करने वाली जगह में, कि इनके फीचर्स ही बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। आप देख रहे हैं पिचर प्लांट, बिल्कुल पिचर की तरह से दिखाई पड़ रहा है, किसी में टेंटिकल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं और किसी में आपको लोब्ड प्लेटफॉर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनके इंटरेस्टिंग फीचर्स क्या हैं ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए? पहला वाला ऊपर आप देखेंगे तो जो प्लांट है उसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके आसपास से गुजरता है दे सीक्रीट सम फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होके इंसेक्ट्स या प्रोटोजोआ इनके आसपास आते हैं, और आते ही इनमें टेंटिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों इसके लोब्स बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट्स का एंजाइम्स सिक्रीट करने की वजह से इंसेक्ट्स का डाइजेशन अंदर हो जाता है एंड दे डिराइव नाइट्रोजन फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स। सिमिलरली इन पिचर प्लांट्स, दो तरह के पिचर प्लांट्स आपने देखे इसमें, तीन तरह के रादर, तो कोई अमेरिकन पिचर प्लांट है सबसे ऊपर वाला, नीचे वाला नेपेंथीस है जो कि बहुत कॉमन है इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स में। इसमें एक लिड होती है और स्लिपरी इनका मार्जिन होता है, जो भी इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठता है वो स्लिपरी होने की वजह से वो अंदर पिचर के अंदर चला जाता है, और इनका जो लिड है वो तुरंत, इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो लिड है ऊपर से वो उसको बंद कर देती है, और अंदर जाके इसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से इन इंसेक्ट्स का या इन स्मॉल आर्थ्रोपोड्स का डाइजेशन हो जाता है, और इस तरह से इसको ये नाइट्रोजन की कमी को अपने पूरी करता है। डायोनिया एंड ड्रोसेरा, बीच वाली स्लाइड्स जो है डायोनिया है एंड ड्रोसेरा है, तो इसमें आप देखेंगे ड्रोसेरा के केस में या डायोनिया के केस में टेंटिकल्स प्रेजेंट है, और टेंटिकल्स का वही रोल है जैसा कि अभी मैंने बताया। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दे लुक ब्यूटिफुल, दे आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है प्लांट्स का जिसको हम कहते हैं ऑर्किड्स। ऑर्किड्स दे आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स एंड दे दीज प्लांट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे आर द सिंबल्स ऑफ ब्यूटी लग्जरी, दे द प्लांट्स आर वेरी ब्यूटिफुल एंड दे आर वेरी डेलिकेट एंड दे शो बिजार शेप्स। बिजार शेप्स का मतलब है बड़े यूनिक शेप्स इनमें होता है, मिमिक्री ये शो करते हैं। कोई प्लांट इसमें मंकी की तरह से दिखाई पड़ता है, कोई प्लांट अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाई पड़ता है डांसिंग लेडी की तरह से, अलग अलग ये मिमिक्री करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं इससे। इनका ये बड़े इंटरेस्टिंग प्लांट है, लार्जेस्ट फ्लावरिंग फैमिली है और ये एपिफिटिक प्लांट्स हैं। इनके जो बेस्ट ब्लूमिंग प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं दे आर द ऑर्किड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस प्लांट्स हैं, ब्यूटी के लिए इनको यूज़ किया जाता है, और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। अगर आप आसाम की तरफ चले जाएं हिंदुस्तान में या नॉर्थ ईस्ट चले जाएं तो आपको ये ऑर्किड्स सब जगह दिखाई पड़ेंगे। इनका हाउ ब्यूटीफुल दे लुक सी, तो ये इनको देखते हुए हमें प्लांट्स की इम्पोर्टेंस पता चल रही है। ये कुछ और ऑर्किड्स हैं, ऑर्किडेसी फैमिली है, और इनका जो सीड जर्मिनेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए इनको किसी फंगस की ज़रूरत होती है, माइकोराइजल एसोसिएशन की वजह से इनमें सीड का जर्मिनेशन होता है। और इसके अलावा ये प्लांट्स जो हैं चाइना में इनको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। दीज प्लांट्स आर कंसिडर्ड वेरी इम्पोर्टेंट देयर, दे आर एम्ब्लम, दे आर कंसिडर्ड एम्ब्लम ऑफ एलिगेंस एंड ब्यूटी इन चाइना। और किसी का अगर 14th या 18th बर्थडे होता है या 25th बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है तो पिंक ऑर्किड को वहाँ यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ए साइन ऑफ लव एंड ब्यूटी। अब हम प्लांट्स के बारे में ये इतना जानने के बाद हमें पता चलता है कि
एक बिगिनर के लिए या एक लेमैन के लिए प्लांट्स का मतलब है ट्रीज या फ्लावरिंग प्लांट्स या बगीचे में लगे हुए खूबसूरत फूल या घास, ये इससे मतलब है। लेकिन प्लांट्स, इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं जिनको कि डिवाइड करके हमने अलग अलग पार्ट्स में रखा हुआ है। कई प्लांट्स में आप देखते हैं, जैसा इसमें दिख रहा है कि नुकीली पत्तियां होती हैं। कुछ प्लांट्स में नुकीली पत्तियां हैं, कुछ प्लांट्स में चौड़ी पत्तियां हैं, जैसे आपने लोटस में देखा था। उसी तरह से कुछ प्लांट्स में वेल डेवलप्ड पत्तियां नहीं हैं, कुछ बहुत छोटे प्लांट्स हैं, कुछ जायंट प्लांट्स हैं, किसी में फूल खिलते हैं, किसी में फूल नहीं खिलते। तो इस बेसिस पर हमने प्लांट्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, जिसमें हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है क्रिप्टोगेम्स में, नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स क्रिप्टोगेम्स, एंड सीड बियरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड फेनेरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो एल्गी हैं, वो फंजाई हैं, वो ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं। लेकिन टॉप में जो दो प्लांट्स दिख रहे हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर फेनेरोगेम्स बिकॉज दे आर सीड बियरिंग प्लांट्स, दो देयर लीव्स आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। तो ये हम कॉनिफर्स इनको हम कह रहे हैं, ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। बीच वाली जो दो स्लाइड्स हैं इसमें आप देखेंगे, ये वो प्लांट्स हैं जो एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन ये इनमें एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और वैस्कुलर सिस्टम होता है, लेकिन ये उतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं जितने कि कॉनिफर्स हैं। नीचे वाली स्लाइड्स जो हैं ये आपको दिखा रही हैं कि ये ब्रायोफाइट्स हैं, मॉस जिसमें कि फ्यूनेरिया आता है। तो ये एक स्लाइड का दिखाने का मतलब यह है कि कितने तरह के प्लांट्स की ग्रुपिंग हमने की हुई है। ये जो स्लाइड दिखा रहे हैं ये फंजाई हैं, ये वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स में फंजाई की अपनी एक अलग दुनिया है। ये फंजाई जो हैं देयर मेन प्लांट बॉडी डजंट हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, वो जमीन के अंदर बरीड रहती है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो इनका है वो आपको फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। सम ऑफ दीज आर पॉइजनस, सम ऑफ दीज आर एडिबल, सम ऑफ दीज दे बर्स्ट देयर फ्रक्टिफिकेशन इन सच ए वे कि इतनी जोर की आवाज होती है। जो लास्ट स्लाइड आप देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि फ्रक्टिफिकेशन जिस समय इसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं वो बिल्कुल बंदूक की तरह से आवाज करता है, उस तरह से फ्रक्टिफिकेशन बर्स्ट होता है और स्पोर्स बाहर निकल के आते हैं। एक स्लाइड इसमें ऐसी भी है जिसमें कि आप देख रहे हैं फ्रूट के ऊपर फंगस ग्रो कर रहा है, दैट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पेनिसिलियम वो फंगस है जिससे हमने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिससे हमें मिलती है। शुरू में पेनिसिलिन की जब खोज हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो वो पेनिसिलियम नोटेटम स्पीसीज से की थी। देखने में ये फंगस बहुत इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन इसकी कितनी बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है। यही नहीं, ये वाले फंजाई दे आर डिजीज कॉजिंग एट द सेम टाइम, कुछ स्पीसीज इनकी डिजीज कॉजिंग भी हैं, लेकिन बेनिफिशियल इफेक्ट्स में दे ग्रो ऑन, दे आर सेप्रोफाइट्स, दे ग्रो ऑन एनी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड दे सिक्रीट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इस तरह के सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटी हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें मेडिसिनल वैल्यू उसकी है। ऊपर आप देख रहे हैं, एक तरफ आप देखते हैं कि रिचेज एंड फरोज दिख रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ किस्म का आपको फ्रूटिंग बॉडी दिखाई पड़ रही है। ये मोरकेला है, मोरकेला प्लांट जो है ये इतना, इसकी एडिबल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये कश्मीर में सबसे ज़्यादा आपको मिलता है, लेकिन कोई भी मॉइस्ट प्लेसेस में बहुत चूजी है ग्रो करने के लिए, और ये एडिबल प्लांट है जिसमें कि प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इंक मशरूम है, ये एक मशरूम है जो कि पॉइजनस भी है, लेकिन इंक की इसकी कैप होती है ऊपर की तरफ, जो इसमें स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इंक की कैप दिखाई पड़ रही। तो ये डाइवर्सिटी दिखाने के लिए कि पौधे कितने तरह के होते हैं, नॉट ओनली दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्रास कवर, नॉट ओनली स्मॉल श्रब्स, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ
fungi, they are in the form of algae, and this is the most primitive plants. These are different types of algae. First one is chlorella, and just below that they are the green algae, then the red algae, Gracilaria, last to red color ka aapko dikh raha hai, ye red algae hai, Gracilaria, and Gracilaria is very important economically, because agar is obtained from Gracilaria, and in Japan and many countries it is used as food. Besides that, Laminaria, the green one in the last, ye Laminaria hai, Laminarin se isme hota hai. तो ये सब्सटेंस जो है कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत दफ़े इससे मेडिसिन बनाई जाती है, बहुत दफ़े ये खाने के काम आता है अलग अलग देशों में. बॉटल में जो आपको स्पाइरुलिना लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्पाइरुलिना एल्गा. स्पाइरुलिना इज़ ए ब्लू ग्रीन एल्गा, और जिसकी अब खेती हो रही है, जो कि बहुत ही मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट One tablet each day is a complete diet for frail and weak people. कुछ old लोगों को, जो लोग जिनमें digestion poor होता है, उनको spirulina की एक tablet आज की date में लोग देते हैं, doctors recommend करते हैं, जो कि algae से obtained होता है. तो ये primitive plants हैं जिनकी कोई significance एक आम आदमी को पता नहीं होती. हम उनको algae को इसी नाम से जानते हैं कि वो काई है, हम फिसल जाते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा एक आम आदमी को यही धारणा है कि काई इस तरह के पौधे हैं जो बरसात में ग्रो हो जाते हैं, और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत कम लोगों की नॉलेज में होते हैं जो इस सब्जेक्ट का नहीं है. तो ये स्लाइड दिखाने का आशय ही ये था कि आपको थोड़ा प्लांट साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. अभी तक आपने पौधों की इम्पोर्टेंस और विभिन्न प्रकार के खूबसूरत पौधों को देखा स्लाइड्स के माध्यम से. अब ये मैं बताना चाहूँगी कि हजारों पौधे या ट्रीज इस दुनिया में हैं, जिनको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी उनको पढ़ने के लिए हमें सुविधा हो जाएगी. इसलिए कोई पौधा बहुत जायंट किस्म का है, कोई पौधा बहुत छोटा है, उनमें आपस में डिफरेंसेस हैं, इसलिए उन प्लांट्स को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और इसको हम कहते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी. अगर हम पौधों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए कई लोगों ने अपने अपने आइडिया से पौधों को, प्लांट किंगडम को डिवाइड किया. कुछ लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही कई पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हम कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सब लोग जानते हैं कि एनिमल्स के केस में दे कैन वॉक, दे कैन टॉक, दे कैन ब्रीथ, इसलिए सबको मालूम है कि एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. लेकिन प्लांट्स के बारे में सब लोग नहीं जानते कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. वो चाहे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वही सारे मैकेनिज्म होते हैं, वही सब प्रक्रियाएं चलती हैं उनकी बॉडी के अंदर. वो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं. उस मामले में वो हमसे ज़्यादा, एनिमल्स से ज़्यादा एडवांस्ड हैं. एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. लेकिन प्लांट्स अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. वो ऑटोट्रॉप्स हैं. और एनिमल्स के केस में दे आर हेटरोट्रॉप्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो इन प्लांट्स में और एनिमल्स में हम दोनों को हम जीवित ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी प्रोटोप्लाज्म होता है. प्लांट्स के अंदर वो दे रेस्पायर, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, कई प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं. और अगर आप एक पौधे को काट के छोड़ देंगे तो वो मुरझा जाता है. तो उनमें ग्रोथ भी होती है, उनमें रिप्रोडक्शन भी होता है. तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से कई पार्ट्स में डिवाइड किया. एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम
को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, इनके इस बेस पर कि इनमें फ्लावरिंग होती है या नहीं होती है, इनमें सीड होते हैं कि नहीं होते हैं. एक है क्रिप्टो गेम्स, दूसरे हैं फेनरो गेम्स. क्रिप्टो गेम्स एंड फेनरो गेम्स, ये इस बेसिस पर है सीड बियरिंग प्लांट्स एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स. अब क्रिप्टो गेम्स जो है बहुत इसके कंपैरिजन में प्रिमिटिव है. फेनरो गेम्स आर हाईली एडवांस्ड प्लांट्स, जो हम ट्रीज देखते हैं. जरूरी नहीं है कि ट्रीज ही, बहुत छोटा प्लांट जिसमें फूल खिलते हैं जिसकी लाइफ में, जिसमें कि सीड प्रोड्यूस होते हैं. आप मेथी देखें या कोई भी छोटा सा प्लांट देखें जिसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम फेनरो गेम्स में रखते हैं. उनमें सीड भी, ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड अंडर फेनरो गेम्स. लेकिन इस क्रिप्टो गेम्स के अंदर हम उन प्लांट्स को रखते हैं जिसमें कि कभी भी लाइफ में सीड्स नहीं बनते. तो सीड्स नहीं बनने वाले प्लांट्स को फिर फर्दर ग्रुप किया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंड टेरिडोफाइटा. Whereas these phanerogames are divided into two, gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms and angiosperms. Angiosperms are highly evolved plants. इससे कम evolved plants हैं gymnosperms. सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं थैलोफाइट्स. थैलोफाइट्स का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हम आने वाले हैं उस टॉपिक पर जो आपके सिलेबस में है. थैलोफाइटा आर अगेन डिवाइडेड इनटू एल्गी एंड फंजाई. सो दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स विच बिलोंग टू क्रिप्टोफाइटा ऑफ क्रिप्टोगेम्स ऑफ प्लांट किंगडम. सो these thallophyta, why they are called thallophyta? The plant body is thallus like. There is no root, stem or leaves. Root bhi nahi hai, stem bhi nahi hai, leaves bhi nahi hai. To plant body kaisi hogi? Plant body is tarah ki hogi, ya to ek cell ke form mein hogi, ya ek filament ke form mein hogi, ya thodi si complicated hogi, lekin phir bhi unke andar na to roots dikhai padti hain, na stem dikhai padte hain, na leaves dikhai padti hain. At the same time they don't have वेस्कुलर टिश्यूज. वेस्कुलर टिश्यूज से मतलब है कि कंडक्टिंग सिस्टम नहीं है उनके अंदर, कि एक जगह से दूसरी जगह पानी को ट्रांसपोर्ट करने का या फूड को ट्रांसलोकेशन का कोई भी जरिया नहीं है. दे आर सो प्रिमिटिव, दे कैन गो एनी ग्रो एनीवेयर. तो ये एल्गी और फंजाई दे बिलोंग टू थैलोफाइटा. इसका ब्रीफ अकाउंट, इससे हमें अभी इतना मतलब नहीं है. ब्रायोफाइटा इनसे थोड़े एडवांस प्लांट्स हैं जो कि वेल अडेप्टेड हैं पानी में या जमीन में ग्रो करने के लिए. ये जो प्लांट्स हैं ये इनसे कुछ बेहतर है. दीवारों में चिपके रहते हैं, इनमें वेस्कुलर सिस्टम इनमें भी नहीं होता है. रूट्स राइजोइड्स शुरू हो जाते हैं बनने. टेरिडोफाइटा जो हैं ये हाईली इवॉल्व प्लांट्स हैं क्रिप्टोगेम्स के. क्रिप्टोगेम्स में मोस्ट एडवांस प्लांट्स हैं टेरिडोफाइटा, जिसके केस में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये ट्रीज की तरह से भी दिखाई देने लगते हैं लेकिन एक्चुअल ट्रीज नहीं है. ट्रीज के अंदर हमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं जिसमें कि जो कि सीड बियरिंग प्लांट्स हैं. और हाईली इवॉल्व प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स. नो मैटर इफ दे आर वेरी स्मॉल, दे बियर फ्लावर्स एंड दे बियर सीड्स, दे बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स. तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं दे बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स आप देखते हैं पाइन्स हैं या जिनकी नुकीली पत्तियां हैं जिनमें फ्लावरिंग तो नहीं होती है लेकिन सीड्स जरूर प्रेजेंट होते हैं. बट सीड्स आर नेकेड सीड्स, दे डोंट हैव ओव्यूल. एक इस तरह का ओव्यूल नहीं है जो बाहर से कवर्ड होगा फ्रूट के अंदर. इस तरह के प्लांट्स हैं. नाउ वी कम टू एल्गी. व्हाट आर एल्गी? एल्गी आर क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स. दैट मीन्स
दे आर क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स, ग्रीन पिगमेंट इनके अंदर होता है और थैलोफाइट्स हम उनको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज प्लांट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स, दैट्स व्हाई इनको हम वी कॉल देम क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स, वेयर एज दिस फंजाई दे आर ए क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट इन फंजाई द प्लांट्स दे डोंट हैव क्लोरोफिल, so they are dependent on other plants, they live either on dead organic substances or attack some plant and derive nutrition from other plants, to parasite ki tarah se rehte hain ya saprophytes ki tarah se rehte hain, jabki algae sabse primitive hone ke bawajood isme chlorophyll present hai, so in the presence of chlorophyll sare plants jo hai jo jin mein chlorophyll hota hai, majority plants mein chlorophyll hota hai, wo surya ki roshni mein कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्लोरोफिल होने की वजह से अपना खाना अपने आप बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अपना भी आपको भी सपोर्ट करते हैं और दूसरे पौधों को भी सपोर्ट करते हैं. तो ये वो छोटे प्लांट्स हैं, चाहे देखने से बहुत प्रिमिटिव लगते हैं लेकिन इनका रोल हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा है. तो एल्गी आर क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स विच आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर देयर हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब है कि उनकी हैबिटेट क्या है, कि वो कहाँ मिलते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर, वो टेरेस्ट्रियल भी हैं. मेजॉरिटी ऑफ एल्गी दे आर एक्वेटिक, दे आर फाउंड इन वाटर और वाटर में मिलने वाली जो एल्गी हैं दे आर आइदर मरीन और फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर से मतलब क्या है, फ्रेश वाटर ताजे पानी से मतलब नहीं है. मैरीन का मतलब है समुद्र के पानी में मिलती है. वो जो एल्गी समुद्र के पानी में मिलती हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, उनको हमेशा खारे पानी की जरूरत होती है, उनको सॉल्टी वाटर की जरूरत होती है इसलिए वो खारे पानी में मिलती है. दूसरी एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में मिलती है. फ्रेश वाटर वाली एल्गी जो है उनका भी कई वेरिएशन है, सारी एल्गी बहुत चूजी है. फ्रेश वाटर एल्गी स्टिल वाटर होंगी या रनिंग वाटर होंगी. स्टिल वाटर का मतलब क्या है, स्टिल वाटर से मतलब है पूल्स पॉन्ड्स डिचेस, पूल्स रुके हुए पानी लेक्स में या पूल्स में छोटी छोटी डिच बन जाती है बरसात के दिनों में, उसमें ये ग्रो करती हैं कुछ एल्गी. तो वो हमेशा ऐसे ही पानी में ग्रो करना पसंद करती हैं जो कि रुका हुआ पानी है. तो हम फ्रेश वाटर से मतलब हमारा ये है कि वो पानी जिसमें कि सॉल्ट की मात्रा कम होगी उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं. ताज़ा पानी से मतलब नहीं है, मिनरल वाटर से मतलब नहीं है जो हम आरओ का पानी लेते हैं. स्टिल वाटर या रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से मतलब है ये स्ट्रीम्स में या रिवर्स में या किसी फाउंटेन में, रनिंग वाटर में जो लविंग एल्गी हैं उनको वो फ्रेश वाटर एल्गी दो तरह की, स्टिल वाटर एंड रनिंग वाटर. तो इनकी कितनी खूबसूरत दुनिया है, हम ये जान के हमें बड़ा अच्छा लगता है कि इतने छोटे से प्लांट्स ये या तो बहुत चूजी हैं, ये या तो एक खारे पानी में मिलते हैं समुद्र में ही, या ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे. फ्रेश वाटर में भी ये पसंद करते हैं या तो किसी रुके हुए पानी में ग्रो करना या फिर रनिंग वाटर में ग्रो करना. तो ये तो वो एल्गी हैं जो कि एक्वेटिक है. मोस्ट ऑफ द एल्गी दे आर एक्वेटिक, मीन्स दे लिव इन वाटर, आइदर मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर. इसके अलावा दूसरे तरह की एल्गी है जो कि टेरेस्ट्रियल है. टेरेस्ट्रियल एल्गी से मतलब है, टेरेस्ट्रियल एल्गी वो एल्गी है जो कि जिन्होंने अडेप्ट कर लिया है अपने को मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करने के लिए. कम है ऐसी एल्गी लेकिन इस तरह की एल्गी भी होती है, हम उनको देखते हैं किसी मॉइस्ट प्लेसेस में जहाँ पर थोड़ी सी भी नमी है वो उस जगह ग्रो करना शुरू कर देती है. और वो दे आर ऑलवेज टेरेस्ट्रियल, दे आर नॉट मैरीन. थर्ड ग्रुप इनका एल्गी का वो है जो कि एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट. अनयूजुअल हैबिटेट से मतलब है अनयूजुअल, जो कि नॉर्मल हैबिटेट नहीं है उनकी, लेकिन अनयूजुअल हैबिटेट में ग्रो करने वाली एल्गी भी बहुत सारी हैं
जिसके कई ग्रुप्स में जिनको हमने डिवाइड किया. कुछ एल्गी तो ऐसी हैं अनयूजुअल हैबिटेट वाली जो कि स्नो क्लैड माउंटेन्स में ग्रो करती हैं, स्नो क्लैड बर्फ की चोटियों में, हिमालय में ग्रो करती हैं. उनको अगर आप वहाँ से लाके सॉइल में डाल देंगे या पानी में डाल देंगे दे विल डाई. तो ये अनयूजुअल हैबिटेट वाली ऐसी एल्गी, उनको हम कहते हैं क्रायोफाइट्स. क्रायोफाइट्स का मतलब है वो जीरो टेम्परेचर लविंग एल्गी, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है उस जगह पर ग्रो करती है. और उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं. क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पर्टिकुलर एल्गा जो है ये स्नो क्लैड माउंटेन्स में आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा. और वहां से लेके अगर आप उसकी क्लेमाइडोमोनास की और भी स्पीसीज हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैं या वाटर में मिलती हैं, फ्रेश वाटर हैं, लेकिन ये वाला जो स्पीसीज है इट इज ऑलवेज फाउंड इन स्नो क्लैड माउंटेन्स जीरो टेम्परेचर पे. और स्नो के ऊपर अगर आप एयर से देखेंगे, आप किसी हेलीकॉप्टर में जाके देखेंगे, दे इम्पार्ट ब्यूटिफुल कलर टू दिस स्नो. येलो स्टोनेंसिस में येलो कलर ये इसमें इसके सेल में होता है और उतनी जगह पर जो बर्फ है वो येलो कलर का दिखाई पड़ता है. तो ये एल्गी बड़ी इंटरेस्टिंग एल्गी हैं. इसी के अलावा क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस, हिमेटोकोकस नाइबिलिस दूसरा एल्गा एक और इम्पोर्टेंट है जो क्रायोफाइट की तरह से रहता है, स्नो क्लैड माउंटेन्स में रहता है. इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू दिस स्नो. तो आपको पैचेस येलो और रेड कलर के पैचेस हिमालय के में जो स्नो है उसमें दिखाई पड़ते हैं. तो ये अनयूजुअल हैबिटेट की पहला ग्रुप है क्रायोफाइट्स. इसी के कंट्रास्ट में दूसरा ग्रुप ऐसा है जो कि थर्मोफाइट्स है. दूसरी एल्गी ऐसी हैं जो जिनको हम कहते हैं थर्मोफाइट्स. थर्मोफाइट्स का मतलब है दीज एल्गी दे प्रिफर टू ग्रो और दे यूजुअली ग्रो ऑन वेरी हाई टेम्परेचर, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में या बॉइलिंग लेक. यू मस्ट बी नोइंग दैट देर आर प्लेसेज वेयर द लेक वाटर कीप्स बॉइलिंग. न्यूजीलैंड में ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं जहाँ का पानी हॉट रहता है हमेशा. ऐसी रिवर्स हैं जिस या हॉट स्प्रिंग्स हैं जिसमें कि पानी बहुत गर्म रहता है. उस गर्म जगह पर भी ये एल्गी ग्रो करती हैं. तो ये एक दिखाता है हमें कि दे आर यूबीक्यूटस इन डिस्ट्रीब्यूशन. यूबीक्यूटस इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है दे आर फाउंड एवरीवेयर. अगर ये गर्म पानी है तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि एल्गी हमें नहीं मिलेंगी, कुछ एल्गी वहाँ भी ग्रो करती हैं. तो ये ऑसिलिटोरिया एक एल्गा है. इसकी कुछ स्पीसीज आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स में या लेक्स में या इस तरह के रिवर्स में मिल जाती हैं जिसका कि पानी बॉइल्ड होता रहता है. तीसरी तरह की एल्गी ऐसी हैं जो लिथोफाइट्स. लिथोफाइट्स का मतलब है ये एल्गी वो एल्गी हैं जो कि दे ऑलवेज ग्रो ऑन द रॉक्स. रॉक्स के ऊपर ग्रो करती हैं, पानी में बहती भी नहीं होंगी लेकिन किसी रॉक को ढूंढती हैं अपनी ग्रोथ के लिए. तो ये इनको हम लिथोफाइट्स कहते हैं. जैसे इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा. क्लेडोफोरा की कुछ स्पीसीज और भी कई तरह की एल्गी हैं जिनके नाम आपको बाद में समझ में आ जाएंगे जब अपना सिलेबस आप लोग पूरा पढ़ोगे. तो लिथोफाइट्स वो एल्गी हैं जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करती हैं. एपीफाइट्स ऐसी एल्गी, दे ऑलवेज ग्रो ऑन अदर हायर प्लांट्स और अदर लार्जर एल्गी. तो ये एपीफाइट्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. बहुत एल्गी ऐसी हैं, कीटोफोरा है, कॉलियोकीट है जो कि अपने से बड़ी एल्गी के ऊपर, कॉलियोकीट या कीटोफोरा. तो ये एल्गी अपने से बड़ी एल्गी के ऊपर ग्रो करती हैं और हमेशा उन्हीं के ऊपर एपीफिटिक एल्गी के फॉर्म में रहती हैं. एपीफाइट के अलावा एंडोफाइट्स दूसरी एल्गी ऐसी भी हैं जो एंडोफाइट्स की तरह से रहती हैं. एंडोफाइट का मतलब है कि वो एल्गी जो किसी प्लांट के अंदर, सेल के अंदर रहती है, प्लांट के अंदर रहती है. जैसे आप लोगों ने अगर जिम्नोस्पर्म में साइकस पढ़ेंगे तो साइकस के रूट्स होती हैं कोरलॉइड रूट्स.
उन कोरलॉइड रूट्स के अंदर रहने वाली कुछ एल्गी ऐसी हैं नोस्टॉक जैसे है, वो हमेशा आपको उसका सेक्शन आप काटोगे तो उसके अंदर आपको नोस्टॉक की सेल्स दिखाई पड़ेंगी। वो एक एल्गा है जो कि साइकस के अंदर रह रहा है। तो ये ऐसी एल्गी जो किसी प्लांट के अंदर रहती है, ऐसे ही एनाबिना दूसरा एल्गा है जो कि एनाबिना एजोला एजोली सॉरी वो एजोला की एक टेरिडोफाइट है, एजोला के सेल्स के अंदर आपको एनाबिना मिलेगा। तो एपिफाइट एंड एट द सेम टाइम एंडोफाइट्स, तो ये उन एल्गी के एग्जांपल हैं। नाउ एपिजोइक एंड एंडोजोइक, कुछ एल्गी ऐसी हैं जो किसी एनिमल्स की शेल्स के ऊपर, फिश के फिन्स के ऊपर, मलस्क की शेल्स के ऊपर इस तरह से समुद्र में ग्रो करती हैं और हमेशा उन्हीं चीज़ों को की तलाश में रहती हैं कि अपनी ग्रोथ के लिए दे स्टार्ट लुकिंग फॉर सम मलस्क शेल या किसी फिश का फिन ढूंढती हैं, तो उनको हम कहते हैं एपिजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी, एंडोजोइक का मतलब है कि सर्टेन एल्गीज एल्गी दे डोंट ग्रो एनीवेयर एल्स बट इनसाइड द एनिमल बॉडी। जैसे हाइड्रा के अंदर आपको याद है 12th क्लास में पढ़ा होगा जू क्लोरेला इज एन एल्गा, जू क्लोरेला इट ग्रोज इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हाइड्रा। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर ग्रो करने वाली एल्गी को हम एंडोजोइक कहते हैं, एपिजोइक एंड एंडोजोइक। तो ये वैरायटी ऑफ देयर हैबिटेट्स है, हैबिट और हैबिटेट में यही डिफरेंस है कि हैबिटेट वो कहाँ रहती हैं। हैबिट का मतलब है कैसा उनका स्ट्रक्चर है, सो वी आर डिस्कसिंग एट द मोमेंट देयर हैबिटेट। इसके अलावा पैरासिटिक एल्गी, जब वो खाना अपना अपने आप बना लेती हैं तो पैरासिटिक एल्गी होती होंगी कि नहीं होती होंगी ये एक क्वेश्चन था, लेकिन हमें ऐसी भी एल्गी मिली हैं जो दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट दे स्टार्ट अटैकिंग अदर प्लांट्स एंड दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस एक एल्गा है, ये हमेशा टी गार्डन्स में टी प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है और टी प्लांट्स के ऊपर नॉट ओनली अटैक्स एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट बट एट द सेम टाइम इट कॉजेज अ डिजीज इन टी प्लांटेशंस। टी प्लांटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टी की लीव्स, उन्हीं लीव्स को चुन के हम चाय की पत्ती बनाते हैं, लेकिन उन पत्तियों में जहाँ इसका अटैक हो जाता है इट क्रिएट्स अ हैवक, इससे सारी पौधे के पूरे टी गार्डन्स नष्ट हो जाते हैं और उनमें एक रेड रस्ट डिजीज हो जाती है। बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ सिफेल्यूरोस इट कॉजेज चाय की पत्तियों के ऊपर इस तरह के पैचेस बन जाते हैं जो कि उसकी पूरी की पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। तो ये पैरासिटिक एल्गी भी हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर अटैक करती हैं, उनसे खाना लेती हैं, एट द सेम टाइम दे कॉज सम डिजीज, दे लिव एज पैथोजेंस ऑल्सो। तो ये पैरासिटिक एल्गी के बाद देयर आर सम एल्गी विच आर सिम्बियोटिक एल्गी। सिम्बियोटिक का से मतलब है दे एल्गी विच लिव इन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, एक किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं जिसकी वजह से ये दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे लाइकन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, तो एल्गी उसमें पार्टिसिपेट करती है एज वन कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट उसका फंजाई होता है। एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम कहते हैं लाइकन्स, एंड लाइकन्स शो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी। तो सिम्बायोटिक एल्गी से एल्गी को क्या फायदा हो रहा है, एल्गी को सपोर्ट मिलता है फंगस के प्रेजेंस की वजह से और फंगस को खाना मिलता है क्योंकि एल्गा अपना खाना बनाता है, ये शेयर करता है फंगस से भी, और दोनों के से मिलके एक जो तीसरे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम कहते हैं लाइकन्स। तो ये सिम्बायोटिक एल्गी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इकोनॉमिकली भी। तो ये इनकी एल्गी की डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जो अनयूजुअल हैबिटेट है। नॉर्मल हैबिटेट
एक्वेटिक है, एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर या मेरीन होंगी, या दे आर टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटेट में रहने वाली एल्गी, वो इतने तरह की हैं। इसके अलावा भी हमें कई तरह की एल्गी और दिखाई पड़ती है जो एरोफाइट्स हैं। कई एल्गी दे ग्रो ऑन द वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर ग्रो करती है और एयर से अपना सब कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मॉइस्चर सब एयर से लेती है, तो उनको हम एरोफाइट्स कहते हैं। तो ये दीज आर डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एल्गी, जस्ट द बेसिक फंडामेंटल टॉपिक वॉज इट। सो you are now aware that where you look for an alga, you go to a lake, a pool or pond or marine water, or in the terrestrial places where moisture is there.